नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक जो लिखा हुआ है वो सिविल सर्विसेज बुक्स एंड स्ट्रेटजी। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी परिस्थितियों को अवसर में बदल देता है। आपके समक्ष जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए। और कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो आपके पास इतना समय मिल जाता है कि आप अपने जो है स्टडी मटेरियल को समेट सकते हैं, उसको इतना धार दे सकते हैं कि वो परीक्षा में जो है आपको बहुत ही मजबूत योद्धा के रूप में उतारने में आपको सफलता दिलाता है। तो ऐसी स्थिति में आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है बुक्स एंड इसके स्ट्रेटजी पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स को देख लेते हैं, पुनः उसके बाद जो है हम इसके स्ट्रेटजी पर भी जो है चर्चा करेंगे। तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पर आधारित होता है। एक काफी कुछ सिलेबस कवर करता है, मेंस में काफी पेपर होते हैं, इसी तरीके से प्री में भी कई सब्जेक्ट होते हैं और उनको समेट करके दो पेपर में इसको समाहित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक इंटीग्रेटेड और व्यापक जो है स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो इसके लिए पहले बुक्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और बुक्स के रूप में हम यहाँ पे 8 पॉइंट को कवर करेंगे। तो एक करके हम यहाँ पे देखते हैं, राज व्यवस्था। इसको पॉलिटी कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। इसके साथ में सुभाष कश्यप, एजुकेशन के नोट्स और घटनाचक्र पूर्वावलोकन। यद्यपि यहां पर ये चार बुक्स दिखाई पड़ रही है लेकिन इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि आपकी जो बेस बुक होगी, यहां पर ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि कई बार मैगजीन में, कई बार विभिन्न प्रकार के जो है इंटरव्यू में लोगों के द्वारा इतनी लंबी लिस्ट बताई जाती है लेकिन उन सभी किताबों को जो है पढ़ने की ना तो जरूरत है और ना ही आपके पास समय है। बेसिकली यहाँ पर इन चीजों को बता करके मैं व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये मार्केट में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की इस टॉपिक पर लिखी गई किताबों में अभी तक सबसे बेहतर साबित हुई है विभिन्न परीक्षाओं में। और यह जो है आपके संविधान एवं राज व्यवस्था की तैयारी के लिए यह एक बेस बुक है। यद्यपि कोई भी बुक आज की डेट में कंपटीशन के फील्ड में नहीं है जिसमें आपको 100% चीजें मिल जाएंगी, कुछ नहीं तो करंट ही चीजें उसमें नहीं मिलेंगी, कई डेवलपमेंट होते रहते हैं, लेकिन आपकी फिर भी जो है 80-85% चीजों की यहाँ पे जो है आवश्यकता पूरी हो जाती है। एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक। यहाँ पर यह किताब सुभाष कश्यप इसलिए लिखी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट जो एकदम नवोदित है, जो अभी अपना कदम रख रहा है तैयारी की दुनिया में, वो सुभाष कश्यप अगर पढ़ता है तो डेफिनेटली भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में उसको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का उदय होता है। तो ये व्यवहारिक समझ पैदा करने के लिए सुभाष कश्यप ले सकता है। यद्यपि अगर उसके पास समय कम है और वो तैयारी प्रारंभ कर दिया है, तैयारी के बारे में कुछ उसने आगे बढ़ गया है, तो वो सुभाष कश्यप को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नवोदित है तो वो ये भी ले सकता है। और री एजुकेशन का नोट्स, ये स्वयं री एजुकेशन एकेडमी टीम के अंतर्गत जो है मेरे द्वारा शोध संकलित और लिखित जो है ये नोट्स है। नोट्स क्या, लगभग किताब का ही जो एक फॉर्मेट है जो कि विभिन्न प्रकार की जो किताबों और अपनी जो है तैयारी के दौरान प्राप्त अनुभव से जो है लिखी गई है। तो ये किताब कम समय में री एजुकेशन नोट्स से जो है आप पूरी संविधान राज व्यवस्था के काफी कुछ पॉइंट्स और काफी कुछ आवश्यकताओं को इसमें पूरा करने का जो प्रयास किया गया है। तो आप जो है अगर आपके पास समय है तो आप इन तीनों का जो अध्ययन कर सकते हैं। और ये तो आपको फ्री में जो है री एजुकेशन एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल पर, आप री एजुकेशन आईएएस एकेडमी चैनल पर जाकर के उसके एडमिन को आप मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये तो आपको मुफ्त ही मिल रही है, और ये दोनों किताबें आपको उस कंडीशन में लेना जब आप नवोदित हैं, अन्यथा तो आपके बेस बुक के लिए यही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। घटना चक्र का यहाँ पूर्वावलोकन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि ये प्रीलिम्स के अब तक पूछे गए सवालों का संकलन है, जहां से आपको परीक्षा के स्वरूप को समझने, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, उसकी गहराई, उसकी कठिनाई के स्तर को समझने के लिए ये जरूरी है। तो आपके लिए जो ये चार बुक्स बताई जा रही हैं, इससे ज्यादा आपको लेने की और देखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें भी आपके पास विकल्प है कि एक या दो बुक्स इसमें आप कम कर सकते हैं। ये आपके समझ, आपके तैयारी का स्तर, तैयारी की दिशा में आपके प्रगति पर निर्भर करता है कि आपको क्या इसमें से पढ़ना है। मैं सारी चीजें बता दिया हूं। अब दूसरा अर्थव्यवस्था है, इसको विषय के रूप में लिख दे रहे हैं, बाकी आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी लिखा रहता है। तो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की बुक है, रमेश सिंह की बुक है, ये टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है, टाटा मैग्रा हिल। रमेश सिंह की बुक है जो अर्थव्यवस्था पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से लिखी गई है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी इसके साथ में जो है री एजुकेशन के नोट्स, ये आप जो है देख सकते हैं। ये नोट्स जो है टीम की तरफ से जो है इसको संकलित किया गया है, लिखा गया है, और इसमें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और लगभग 200 पेजेस में जो है ये पूरी अर्थव्यवस्था के जो है परिदृश्य को आपके सामने रखने का जो प्रयास करता है। कम समय में सरल भाषा में लिखा गया है और उन्हीं चीजों को लिखा गया जिसे आपको एग्जाम में जरूरत होती है। तो इन दोनों ही किताबों से आप ये दोनों किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कम समय में आपको पढ़ने के लिए जो है जरूरी है। और दूसरी तरफ रमेश सिंह की बुक एक व्यापक संदर्भ में है, आपको ये किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपके लिए रमेश सिंह यहाँ पर बेस बुक होगी। इसके साथ में यहां पर भी जो है मैं घटना चक्र को जो है लिखूंगा। घटना चक्र पुनः वही जो है पूर्वावलोकन है, और ये सभी टॉपिक के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि ऐसा करके आप जो है उस विषय के बारे में एक बेहतर तथ्यात्मक समझ विकसित करेंगे, और अब तक एग्जाम में पूछे गए सवालों से परिचित होंगे, और उसकी व्याख्या को पढ़ने से आप जो यहां से कुछ छूट भी सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो सामान्यतः बुक्स में नहीं मिल पाता है, या कहीं से भी एग्जामिनर जो उस प्रश्न पत्र का जो है संकलन किया हुआ, ड्राफ्ट किया हुआ है, वो कहीं से उठा लेता है। तो कम से कम उसके बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि किताबों में पूरे प्रश्न पत्र के सभी सवालों को जो है एक साथ मिलना कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटना चक्र की बुक होती है, इससे माध्यम से आपको ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन भी जो है मिल जाएंगे। तो इस तरीके से घटना चक्र का पूर्वावलोकन यहाँ भी आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, और री एजुकेशन के नोट्स आपको पूर्व के ही जो है तरह से जो है उसी चैनल पर एडमिट को दिए गए मैसेज से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब हम भूगोल पर देखेंगे। अभी तक मैंने एनसीईआरटी की चर्चा नहीं किया, लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है, इसे मैंने पर्सनली पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। 6 से लेकर 12 तक की किताबें, आप अगर वैसे तो 9 से 12, लेकिन आप चाहें तो 6 से 12, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक इमेज क्रिएटिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार ये सब्जेक्ट है। तो ये आप जो है अगर एनसीईआरटी बेस पर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं, और मैं जहां तक समझता हूँ 6 से 12 तक की किताबें, 9 या 10 किताबें, उसमें 10 किताबें लगभग हैं, और ये ऐसा किताब है जो आप 2 दिन में एक किताब पढ़ सकते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपका पूरा समय उसी में है। खैर, अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जो है टाइम टेबल बनाता है और पढ़ता है, लेकिन अगर पूरा टाइम दिया जाए तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी कि पूरा भूगोल आप 20 से 25 दिन में जो है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और चीजों को बहुत ही व्यवहारिक ढंग से, बहुत ही शून्य से शिखर तक के रूप में जो इसमें समझाने और बताने का प्रयास किया गया है। तो ये भूगोल जो है आप एनसीईआरटी की जो है बुक यहां पर देखें 6 से लेकर 12 तक, इस बुक को पढ़ने के बाद आप बड़ी बड़ी किताबों के भी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी किताबों में क्या है
उसमें उदाहरण देकर के चीजों की कई केस स्टडी देकर के जो समझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यहाँ पे चीजों को सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। और उन सारी चीजों को, चाहे पिंड हो, चाहे चक्रवात हो, इसी तरीके से वन हो, ये जो भी टॉपिक आपके इंडिया के जो है पर्सपेक्टिव है, वर्ल्ड के संदर्भ में है, आपके भौतिक भूगोल है, सारी चीजों को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। और एक यहाँ पर आपको और बुक है डी आर खुल्लर की, जो है डी आर खुल्लर की जो है भूगोल है, जो कि व्यापक संदर्भों में लिखी गई है और मुख्य परीक्षा के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को आपको लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में 25 से लेकर 35 क्वेश्चन तक का वेरिएशन इसमें होता है, लंबा जो है आपका क्षेत्र कवर करता है। और यहाँ आपके क्वेश्चन सही होने पर आपकी मजबूती बढ़ती है और आपके चयन का आधार बढ़ जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना केवल प्रीलिम्स में, बल्कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके निबंध में भी मेंस में पूछा जाएगा, और मेंस में जीएस का एक पेपर तो कमोबेश ज्योग्राफी पर आधारित ही है। तो इस तरीके से ये जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो एनसीईआरटी की 6 से 12 की किताबें और डीआर खुल्लर की जो है ये मुख्य परीक्षा के लिए, इसके साथ में आपको जो है एटलस ऑक्सफोर्ड का जो है एटलस भी रखना होगा, क्योंकि एटलस से आपको जो है मैप की तैयारी, विभिन्न जो कंटिनेंट हैं वहां पे महाद्वीपों में देशों की जो अवस्थिति, उन देशों के पास में महत्वपूर्ण सागर, झील, नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एटलस जो है आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जो है चौथी जो घटना चक्र हमने बताया था वो आपको यहाँ पर भी रखना होगा, और उसी तरीके से आपको यहाँ भी उसकी तैयारी करनी होगी। तो इस तरीके से जो है आपने राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल को जो है इस रूप में जो है देखा। अभी मैं अन्य विषयों को यहां पे शामिल करता हूं। अगला है जो है इतिहास। इतिहास में एनसीईआरटी को भी रिकमेंड किया जा सकता है, परंतु मैंने जो देखा उसमें एनसीईआरटी में कि वहां पे अलग अलग जो है क्लासेस के लिए जो बुक्स बनाई गई, क्योंकि हिस्ट्री इतना व्यापक सब्जेक्ट है कि उसे किसी एक क्लास में एक बुक्स में जो है देने पर एनसीईआरटी जैसी किताबों के लिए जो न्याय नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहां पे इतिहास के कुछ अध्याय ऐसे करके कुछ बुक्स लिखी गई है, आप अगर देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। इसलिए उन किताबों को बिखरे हुए रूप में पढ़ने के बजाय मैं इस बात को समझता हूं कि एनसीईआरटी पर संकलन, जो कि आर के जैन के द्वारा लिखी हुई है, एनसीईआरटी सार, ये जो है आर के जैन, आर के जैन के द्वारा एनसीईआरटी सार देखेंगे तो ये लगभग 250 पेज की जो है बुक है, और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी गई है। ये तब आधुनिक भारत के लिए आप आधुनिक भारत के लिए जो है या आधुनिक इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक जो है पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम, अच्छा, आधुनिक भारत और आधुनिक इतिहास पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली ये है स्वतंत्रता आंदोलन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है इतिहास का, यहां से न केवल प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी यहीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो स्पेक्ट्रम लिखा भी गया है वो बहुत ही व्यापक संदर्भों में लिखा गया है, एक अवधारणाओं को लेकर के लिखा गया है। तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आपको जो है पढ़ना जरूरी होगा। यहां पर कला और संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर के रूप में अगर देखा जाए तो नितिन सिंघानिया की बुक आप देख सकते हैं। यहां पर किताबों की सूची बड़ी होती जा रही है, इसलिए आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि स्वयं मैंने कहा कि बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं और यहां पर खुद मैं उस तरीके से लिख रहा हूं। तो
यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि अगर आप प्रीलिम्स केवल एग्जाम देने जा रहे हैं, केवल प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको यही किताब पर्याप्त है। लेकिन चूंकि यहाँ किताबें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि किताबों पर डेली तो लेक्चर लिया नहीं जा सकता, इसलिए बताई जा रही है बेसिकली कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके मेंस ही आपके चयन का आधार बनता है और उसी के मार्क्स जुड़ करके आपके सफलता और आपके पोस्ट का निर्धारण करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन किताबों को भी बताया जा रहा है कि ताकि आप इसके साथ में पढ़ सकते, जैसे ज्योग्राफी में भी है, आप एनसीईआरटी का 6 से 12 और घटनाचक्र पूरा पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए कोई समस्या नहीं। लेकिन डीआर कुल्लर यहाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ताकि आप मुख्य परीक्षा को भी उसी तेजी और मजबूती के साथ मात दे सकें जैसा कि आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया, और इसके साथ में आपको अब जो बुक लेना है वो घटनाचक्र। यद्यपि यहां पे अगर भाग के हिसाब से देखा जाए कि प्राचीन आधुनिक इस तरीके से, तो किताबें लोग बहुत लिख देते हैं, जैसे मैंने देखा है कि भाई केसी श्रीवास्तव, तो नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, डेफिनेटली हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के तो टेबल और जो है रूम में ये किताब होनी ही चाहिए। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्ट लेना है हिस्ट्री के तो डेफिनेटली ये सब किताबें तो पढ़नी है, लेकिन केसी श्रीवास्तव की बुक काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी जो उसमें पेजेस हैं, और अगर आप उसी को पढ़ना बैठेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय उसमें जो है लग जाएगा। इसी तरीके से आप मध्यकाल में आ जाते हैं तो मध्यकाल में आप लईक अहमद, सौरभ चौबे की भी तक किताबें पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से आधुनिक भारत के लिए जो है आ सकते हैं बी एल ग्रोवर और एस के पांडे, ये सारी किताबें, किताबों की कमी नहीं है, इतिहास में किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आता तो जिन किताबों का मैंने नाम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत के लिए अभी बताया, उनमें से भी कोई किताब आप पढ़ सकते हैं, किसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं, लईक अहमद या सौरभ चौबे, दोनों में से एक ही किताब मध्यकाल के लिए, इसी तरीके से आधुनिक के लिए जो है बी एल ग्रोवर या जो है एस के पांडे, एस के पांडे थोड़ी सी तथ्यात्मक किताब लिखी गई है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे जो है अनुसार आप अगर जीएस के लिए जो है पढ़ रहे हैं और पीसीएस के जो है एग्जाम के लिए या आईएएस के एग्जाम के लिए, तो ये किताबें जो है ही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होंगी, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी सार पढ़ना और ये घटनाचक्र, ये दोनों ही किताबें महत्वपूर्ण होंगी। दो किताबें बीच की जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। तो ये बात रही जो है इतिहास को लेकर के। अभी 4 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो गई, अभी हम जो है विज्ञान के बारे में बात करेंगे। विज्ञान से भी जो है आपके 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन के बीच में वेरिएशन होता है, कभी 22 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फिर भी हम इसके महत्व को नकार नहीं सकते हैं। इसलिए विज्ञान के लिए जो आपको एक संकलन पढ़ना होगा एनसीईआरटी सार पर, ये महेश बरवाल की किताब आप ले लीजिए, इसको मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है, और साथ में जो है घटनाचक्र आपका लगा ही रहेगा। ये दो ही किताबें इसमें महत्वपूर्ण है। मेंस में जो है विज्ञान से सवाल नहीं पूछे जाते, साइंस टेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते। खैर, विज्ञान के लिए आपको पढ़ना है तो विज्ञान के लिए जो है ये किताबें ही आपके लिए पर्याप्त है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है जो है, और घटनाचक्र अभी तक पूर्व में पूछे गए सवालों का संकलन है। इसी तरीके से आपका और टॉपिक बचता है पर्यावरण, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश और जनसंख्या। ये किताबें बचती हैं। तो पर्यावरण के लिए जो है आपको री एजुकेशन नोट्स देखना है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए भी री एजुकेशन नोट्स देना है, यदि परीक्षा बाड़ी की भी किताब आप यहां पर जो है ले सकते हैं, परीक्षा बाड़ी की भी किताब ले सकते हैं, और जनसंख्या नगरीकरण के लिए भी जो है री एजुकेशन के ही नोट्स का संकलन स्वयं टीम के जो है द्वारा किया गया है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से संकलित किया गया है कि आपकी लगभग सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ये तब इन सभी के लिए आपको पुनः घटनाचक्र की किताबें रखनी ही रखनी होगी, क्योंकि उसमें पूर्व के सवालों का संकलन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से अभी हमने जो आज का टॉपिक निर्धारित किया हुआ था बुक्स पर जो है वो मैंने चर्चा किया, इसमें 8 सेक्शंस मैंने देखा, भूगोल,
व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, चार ये हो गए हमारे सोशल के सब्जेक्ट जिसको सोशल की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद चार अलग से हमने विज्ञान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश तथा जनसंख्या और नगरीकरण को सम्मिलित किया, तो कुल मिलाकर के ये आठ जो है टॉपिक हो जाते हैं जिनसे जो है आपको परंपरागत और आधुनिक समय में हुए प्रगति की तैयारी करना है। इसके साथ में जो है आपको एक समसामयिक घटनाओं की भी तैयारी, दिन प्रतिदिन की घटनाओं की भी तैयारी करना होगा। तो इसके लिए जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि यद्यपि अलग अलग लोगों के अपने टेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं पढ़ने के जो है करंट अफेयर्स की बुक को, लेकिन हमने देखा कि क्रॉनिकल की जो बुक है, क्रॉनिकल आप पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखी जाती है और उसमें इतनी चीजों का विश्लेषण किया जाता है, घटनाएं दी जाती हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से पर्याप्त होती हैं। आप एक न्यूज सुन लीजिए, आप 24 घंटे में एक न्यूज की आदत बनाना ही है, चाहे वो आपके जो है 8:45 का न्यूज हो या कोई भी इस तरीके का न्यूज हो जो पूरे दिन भर की जो है घटनाक्रम को अपने आप में जो है संकलित करने का जो है प्रयास करता है। तो इस तरीके से जो है आपको ये मैगजीन देखना है, एक न्यूज देखना है और अखबार भी देखना है। अब वो अखबार आप पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए क्योंकि अखबार जो है आप में क्रिएटिविटी पैदा करता है, अलग अलग चीजों को देख करके सोचने, समझने और लिखने की क्षमता का विकास करता है। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम के लिए अलग अलग जो है अखबार हो सकते हैं। अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो जनसत्ता देख सकते हैं, दैनिक जागरण भी देख सकते हैं, दोनों में से एक ही अखबार ठीक है क्योंकि आपको और भी सारी चीजों को देखना है। और इन दोनों चीजों को अगर देख रहे हैं तो एक अखबार ठीक से पढ़ते रहिए तो कोई समस्या नहीं होगी। इंग्लिश में है तो द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी के लिए आप देख सकते हैं और हिंदी के लिए तो दोनों मैंने बताया, एक तो आप देख सकते हैं। तो तीन यहाँ पे सोर्सेज आपको बनते हैं, एक तो आपकी मैगजीन हो गया, एक न्यूज हो गया और एक जो है पेपर हो गया। ये आपको जो है इन आठों पॉइंट्स के अलावा एडिशनल में आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपके कंप्लीट जो है बुक्स की जो है लिस्ट और सूची है जो आपकी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप वर्तमान समय में जो समय है आपके सदुपयोग करने का एक आधार बनाता है। इनके साथ में जो है अभी हम स्ट्रेटेजी पर ये चर्चा करते हैं कि इन किताबों को किस तरीके से पढ़ना है और वर्तमान समय का जो समय है उसको किस तरीके से यूज करना है। बेसिकली इसमें आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर एक कि ये आप इस समय का जो है क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं, यानी कि रचनात्मक और सृजनात्मक रूप से जो है अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। रचनात्मक और सृजनात्मकता का तात्पर्य ये है कि आप जो है आपकी तैयारी को एक नया जो है दिशा दे सकते हैं, उसमें नया पहल सीख सकते हैं और लिखने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। क्योंकि जो आप एग्जामिनेशन में जो आप पेपर पर जो लिखेंगे आपको लिखने के एवज में ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप जो लिखेंगे वही आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी तैयारी का कोई अर्थ नहीं। तो यहां पर आप जैसे आपको उत्तर लिख मेंस का लिखना हो तो मेंस के लिखने के लिए आपको डेटा कैसे उसमें एंट्री करना है समय समय पर, वो आप क्षमता अपनी विकास कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चार्ट के माध्यम से उसका प्रेजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से वो सारी चीजें दिखाने पे ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है उत्तर, और जिससे मार्क्स मिलने में आसानी आपको होती है। तो इन सभी क्षमता का विकास आज की स्थिति में करना है जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। दूसरी चीजें हैं कि आप इस वक्त जो है समय आपके पास पर्याप्त है, आप योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं आधे घंटे का समय निकाल करके, इससे आपका कंसंट्रेशन बनता है और ध्यान रहे कि कंसंट्रेशन जब बनेगा तभी आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अगली चीज है कि इस दौरान आप जो है चाहें तो अच्छी किताबें जो भी इंटरेस्टिंग है आपके लिए वो आप पढ़ सकते हैं। अगली चीज है कि आप अच्छी मूवीज भी देख सकते हैं। अब मूवी देखने का यह नहीं कि 24 घंटा देखना है, आप सप्ताह में एक देख सकते हैं, इस तरीके का आप शेड्यूल बना सकते हैं, अच्छी फिल्में देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवनी पर, उसके बायोग्राफी पर आधारित पावरफुल और स्ट्रांग मूवीज देख सकते हैं। अच्छी किताबें और मूवी देखने का ये परिणाम हो सकता है कि व्यक्ति को अलग अलग लोगों की जिंदगी में किए गए कार्य से रिफरेंस यानी कि संदर्भ प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक ट्रेंड पता चलता है
और उसे आप अपनी जिंदगी में जो है ला करके अपनी जिंदगी को आप चमका सकते हैं। और इससे आपके जो है भाषा में वाक्य वाक्यांश और भाषा शैली का परिमार्जन और परिष्करण होता है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं, बात करने की क्षमता का विकास कर सकते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो है आज के समय का इस रूप में जो है आप सदुपयोग कर सकते हैं। अगली पांचवी पॉइंट जो है जो एग्जाम के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वो ये है कि घटना चक्र का जो अध्ययन आपको प्रत्येक दशा में ही करना है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों के स्तर और कठिनाई के स्तर के बारे में आपको पता चलता है। तो एक बार इसको पढ़ने के बाद आप अपने बेस बुक का ध्यान रहे, हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में आपको बेस बुक बताया गया है, उस बेस बुक को आपको प्रत्येक दशा में पढ़ना है। एडिशन के रूप में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसमें अलग अलग किताबों का भी जिक्र किया गया है। तो किताबें कम से कम 3 बार आप जरूर पढ़िए। दुनिया भर की किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही किताब का या अधिकतम सब्जेक्ट के 2 किताब का 4 से 5 बार अध्ययन कीजिए और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि दुनिया में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा खेल है। आत्मविश्वास से ही जो है आप अपनी जो है क्षमता का पूरी तरीके से उपयोग एग्जाम में कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति सर्विस में है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रहता है, तो उसके पास भी एक जो है नेगेटिव फील्ड है कि उसके पास समय कम है। लेकिन जो व्यक्ति सर्विस में भी तैयारी कर रहा है उसके पास 24 घंटा उसका समय है, लेकिन वहां सर्विस वाला व्यक्ति इस आत्मविश्वास में रहता कि मेरे पास सर्विस तो है ही, मेरी क्षमता को कहीं ना कहीं कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम के रूप में सिद्ध कर चुकी है, तो उसके पास आत्मविश्वास होता है। इसीलिए सर्विस में पहुंचने वाले लोग पूरा सर्विस पाते हैं, और जो सर्विस में नहीं पहुंचते हैं वो आत्मविश्वास की कमी के कारण से कई बार योग्य होते हुए भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस प्रतियोगी जगत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको स्वयं अपने ऊपर भरोसा करना है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो कमीशन और कंडक्टिंग बॉडी कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगी? तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, आपको अपने अध्ययन सामग्री पर भरोसा करना है, आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास करना है, और ऐसा करके आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जो एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में जो है बुक्स और स्ट्रेटजी पर हम लोगों ने जो चर्चा किया, और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको जो है समझ में आया होगा। आप वर्तमान समय में अपने अधिकता वाले समय का सदुपयोग तैयारी के फील्ड में करेंगे, अपने तैयारी को चमकाएंगे और आने वाले एग्जाम में अपने आप को मजबूती से पेश करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।